यू हैव टू मैनेज फ्रॉम समथिंग, ट्राई टू मैनेज. यूनिट टेस्ट कब है? यूनिट टेस्ट बहुत जल्दी होने वाला है, आप लोग तैयार रहो, सब लोग बी प्रिपेयर्ड फॉर द यूनिट टेस्ट. बहुत जल्दी यूनिट टेस्ट होने वाला है, तो सबको रेडी रहना यूनिट टेस्ट के लिए. मैंने आपको कल भी बताया था, जितना सिलेबस चल गया है उतना सिलेबस आप पक्का करते रहो. सिलेबस जितना चला है उसमें से ही टेस्ट आएगा, बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा. जितना क्लास में कवर कराया है, जितने न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए हैं, बस उसी को आपको रिवाइज करना है अच्छे से. ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, जो पढ़ाया गया है उसको रिवीजन करते जाओ बस. ठीक है, ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर द न्यूमेरिकल्स. हाँ, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी करो, जो मैं होमवर्क देता हूं वो भी न्यूमेरिकल्स करो, है ना. दोनों टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करो. और इसके अलावा टेस्ट पूछ रहे हैं फिजिकल होगा कि कैसे होगा. तो फिजिकल टेस्ट होगा, मे बी फिजिकल. ऐसा अभी आ रहा है कि 21 सितंबर से मे बी आपके स्कूल स्टार्ट हो जाए, मे बी, है ना. अभी कुछ पक्का पता नहीं है, लेकिन बोल रहे हैं कि स्टार्ट कर देंगे. तो अगर आपके स्कूल स्टार्ट होते हैं, है ना, वैसे तो मुश्किल है, दिवाली के बाद ही होंगे, है ना. तो अगर दिवाली के बाद स्कूल स्टार्ट होंगे तो फिर तो आपके ऑनलाइन टेस्ट ही होगा. यूनिट टेस्ट ऑनलाइन ही पॉसिबिलिटी है, है ना. फिर तो कोई मतलब ही नहीं है कि आपका फिजिकल एग्जाम हो जाए, फिर तो कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है. हाँ, गवर्नमेंट ने तो दिवाली के बाद ही बोला है, तो दिवाली के बाद ही खुलेंगे फिर. और दिवाली मेरे ख्याल से नवंबर में है आपकी, है ना. नवंबर में भी काफी लेट है इस बार दिवाली, तो आपका अक्टूबर का महीना पूरा ऐसे ही जाएगा ऑनलाइन में. तो आपको कोशिश यही करनी है कि अभी हमें ऑनलाइन मोड पे ही प्रिपरेशन करना है अच्छे से, और जो भी होमवर्क हमें दिया जा रहा है वो हमें प्रॉपरली सॉल्व करना है. ठीक है, एक महीना आपको और ऐसे निकालना पड़ेगा. आगे देखो, अच्छे के लिए हम होप कर सकते हैं कि कुछ अच्छा ही होगा आगे, लेकिन तब तक आपको ऐसे ही पढ़ना है. ठीक है, हाँ, डेली होमवर्क करना है, वेरी गुड. चलो, ज्यादा टाइम नहीं लेते, अब हम स्टार्ट करते हैं. तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने टॉर्क निकाला था. हाउ द टॉर्क इज एक्सपीरियंस बाय अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, हम टॉर्क की स्टडी कर रहे थे. एक बार फटाफट इसको क्विकली रिवाइज करते हैं, जल्दी से देखो. ये हमारी कॉइल होती थी, इसकी लेंथ एल है, इसकी विड्थ बी है, इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से फ्लो कर रही है. ठीक है, अब देखो ध्यान से, प्लेन ऑफ द कॉइल इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड एंड यू कैन सी दैट करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. सो फोर्स ऑन दिस एसपी लिंक विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, फोर्स ऑन दिस ब्रांच क्यूआर इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो हमने फोर्स निकाल दिया. फोर्स निकालने के लिए हमको रिलेशन पता है, आई इंटू एल क्रॉस बी. सो लेंथ ऑफ दिस इज विथ बी के बराबर है, तो हमने फोर्स निकाल दिया दोनों के लिए, क्यू आर सेक्शन के लिए भी और पी एस सेक्शन के लिए भी. ठीक है, तो हमें ये पता चला कि ये दोनों जो फोर्सेस लग रहे थे आपके, ये अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन है. तो लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग, सेम लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, इसलिए ये कोई भी टॉर्क को प्रोड्यूस नहीं करेंगे. सो हमने फिर ये वाली ब्रांच पे फोर्स निकाला, पी क्यू वाली पे. तो पी क्यू पे फोर्स बाहर की तरफ आया और आर एस वाले सेक्शन पे फोर्स अंदर की तरफ आया. अब हमने देखा कि ये आर एस वाला फोर्स और पी क्यू वाला फोर्स, ये एक टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यू कैन सी दैट. सो इस टॉर्क को आज हम कैलकुलेशन करेंगे. तो हमें टॉर्क निकालने के लिए सबसे पहले फोर्स निकालना पड़ेगा. तो हमने फोर्स निकाल लिया, पी क्यू वाले सेक्शन पे कितना फोर्स लगेगा, आई इंटू एल क्रॉस बी. सो आई हैव अप्लाइड द फॉर्मूला ऑफ फोर्स एंड कैलकुलेटेड द फोर्स. यहाँ पे आप देख लो कि लेंथ वाला वेक्टर और
मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आई हैव पुट हियर साइन 90, सो हमें दोनों ब्रांच पे फोर्स मिल गया ILB एंड ILB, विच इज द फोर्स ऑन RS ब्रांच एंड फोर्स ऑन PQ ब्रांच. ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, और ये दोनों फोर्सेज जो है दीज आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन. सो इफ द फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन इट विल प्रोड्यूस अ टॉर्क, इट विल प्रोड्यूस अ टॉर्क. तो आज हम इसी टॉर्क का कैलकुलेशन करेंगे. तो देखो ये हमारी लूप थी और इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा था. दिस इज योर एक्सेस ऑफ द लूप, और यू कैन से एक्सेस ऑफ द कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द थीटा. हमेशा याद रखो क्वेश्चन में आपको वो घुमाने के लिए थीटा पे ही घुमा सकता है. रेक्टेंगुलर कॉइल के अगर आपने होमवर्क के क्वेश्चन ट्राई करे होंगे तो वो आपको थीटा पे ही घुमाएगा, वो आपको एंगल ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड देगा, कभी कभी वो एंगल विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल भी दे सकता है आपको, है ना. तो ये डिपेंड करता है कि आपको एंगल किस वे से वो प्रेजेंट कर रहा है. तो चलो हम टॉर्क सबसे पहले निकालेंगे. तो हमने PQ फोर्स निकाला था, देखो PQ फोर्स आपका बाहर की तरफ आ रहा था और RS वाला फोर्स आपका अंदर की तरफ जा रहा था. ठीक है, तो ये जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, देखो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. कल मैंने आपको बताया था टॉर्क इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो फोर्स PQ इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, देखो PN, PN इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो आप ज्योमेट्री से निकालोगे यहाँ पे कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा. तो देखो ये ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, इन ट्राइंगल PSN दिस लेंथ इज बी कॉस थीटा, ये वाला जो लेंथ होगा क्या होगा, बी कॉस थीटा. तो यहां से आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा बी कॉस थीटा. तो आपने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज योर टॉर्क. टॉर्क इज ऑलवेज डिफाइंड एज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो हमने यहां पे देखो अब L इंटू बी को मैं क्या लिख सकता हूं, L इंटू बी इज योर एरिया, एरिया ऑफ द कॉइल विल बी L इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा इस कॉइल का. तो मैंने यहाँ पे एरिया सब्स्टिट्यूट कर दिया. सो मेरा टॉर्क का वैल्यू क्या हो गया, IAB cos थीटा, द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज IAB cos थीटा. हमेशा याद रखो ये वाला जो थीटा है, हमने थीटा कहां से लिया है, ये देखो थीटा इज द एंगल फ्रॉम द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड. थीटा इज द एंगल विद द प्लेन ऑफ कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड. जब आप प्लेन ऑफ कॉइल से एंगल लोगे तो आपके यहाँ पे टर्म हमेशा कॉस थीटा का आएगा. अब एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप एंगल नॉर्मल से लोगे, दिस इज द नॉर्मल टू द कॉइल. अब जब आप एंगल नॉर्मल से मेजर करोगे तो क्वेश्चन में वो थीटा पे बहुत ज्यादा घुमाता है ना. तो जब आप नॉर्मल से एंगल मेजर करोगे तो हमने नॉर्मल से एंगल कितना मेजर किया, फाई. ठीक है, तो फाई जब मैं रखूंगा तो आप देखो एक रिलेशन है कि थीटा और फाई दोनों मिलके 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं. थीटा और फाई आर फॉर्मिंग द 90 डिग्री, है ना. तो मैं थीटा की जगह पे 90 माइनस फाई रख सकता हूं तो यहाँ पे साइन फाई वाला टर्म आ जाएगा, है ना. थीटा आई कैन पुट 90 माइनस फाई, सो यू विल गेट दिस साइन फाई टर्म. अब टॉर्क के आपके पास दो इक्वेशन है, एक तो थीटा के फॉर्म में और दूसरा जो आपका इक्वेशन है फाई के फॉर्म में, है ना. तो आपको क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखना है कि आपको एंगल जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो नॉर्मल से दिया हुआ है कि आपको एंगल दिया हुआ है प्लेन ऑफ द कॉइल से. अगर आपको प्लेन ऑफ द कॉइल से एंगल दिया हुआ है तो आप कॉस थीटा वाला फैक्टर यूज करोगे, और अगर आपको नॉर्मल से एंगल दिया हुआ है तो आप साइन फाई वाला फैक्टर यूज करोगे. समझ आया, ये दोनों इक्वेशंस पे क्वेश्चंस भर भर के पूछते हैं और बच्चे ज्यादातर यहीं पे गड़बड़ करते हैं थीटा और फाई में. उनको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पे होता है कि थीटा कौन सा ले और फाई कौन सा ले. तो मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि जो फाई वाला एंगल है ये हमेशा नॉर्मल ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है ना. देखो ये नॉर्मल कॉइल की है, नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगी ना इस कॉइल की, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है. इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये आपका फाई है, फाई. ठीक है, तो जब भी आपको फाई दिया होगा, सपोज करो मैंने आपको क्वेश्चन में दे दिया फाइंड द टॉर्क व्हेन फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना. व्हेन फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री, अब फाई क्या है,
अब वो क्वेश्चन में फाइव और थीटा नहीं देगा, वो क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा फाइंड द टॉर्क व्हेन द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द कॉइल एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 30 डिग्री। तो आप डायरेक्टली ये वाला इक्वेशन लगाओगे, ठीक है। और सपोज करो आपने, उसने आपको थीटा दे दिया, सपोज कई बार वो थीटा दे देता है, सपोज द थीटा इज 30 डिग्री, है ना। तो थीटा अगर आपको 30 डिग्री दे दिया तो वो क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा इफ द प्लेन ऑफ द कॉइल इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड, इफ द प्लेन ऑफ द कॉइल इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड, तो जब आपको थीटा देगा तो आप कॉस थीटा वाला इक्वेशन यूज करोगे। और अगर आपको यही वाला इक्वेशन यूज करना है तो आप फाई की वैल्यू निकाल लोगे, तो फाई आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो 90 में से जब आप 30 को माइनस करोगे सो यू विल गेट 60 डिग्री। तो अगर आपको यही वाला इक्वेशन यूज करना है फाई वाला, तो आप 60 डिग्री पुट करोगे, और अगर आपको थीटा वाला इक्वेशन यूज करना है तो आप 30 डिग्री पुट करोगे, दोनों से आंसर आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। अब ये आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना है कि आपको क्वेश्चन में थीटा दिया हुआ है कि क्वेश्चन में फाई दिया हुआ है, ठीक है। कल के वाले होमवर्क क्वेश्चन में पहले के दो क्वेश्चन जो है वो इसी पे बेस पे हैं। अगर आपने होमवर्क ढंग से सॉल्व किया है तो रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर आपका जो है, आई कैन से क्वेश्चन नंबर 33 एंड क्वेश्चन नंबर 34, कल के होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 34 दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, खाली उसमें पहले वाले में आपको एक में आपको फाई दिया हुआ है और एक में आपको थीटा दिया हुआ है, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, बस एक में आपको अलग एंगल दिया हुआ है, दूसरे में आपको अलग एंगल दिया हुआ है। तो टॉर्क निकालने के लिए आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना कि आपको थीटा दिया है कि फाई दिया है, ठीक है। यहां तक सबको बात समझ आई? यस एवरीवन। कुछ ज्यादा ही बोल दिया क्या उन्हें? ये चैट बॉक्स क्यों नहीं ओपन हो रहा है? सबको समझ आ गया? वेरी गुड। होमवर्क में ऐसा ही दिया हुआ है, वेरी गुड। तो इसलिए कहता हूँ होमवर्क को बहुत ध्यान से किया करो, होमवर्क में यही सारे कंसेप्ट्स वापस यूज होते हैं, और जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तभी आपको पता लगता है कि आपको इस कंसेप्ट को कैसे यूज करना है, ठीक है। सो इन दिस वे यू हैव टू फाइंड द टॉर्क, यू कैन यूज बोथ ऑफ दीज इक्वेशन, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं नए टॉपिक पे। तो चलो इसको हम टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में भी देख लेते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट द टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म। सो हमने टॉर्क ये निकाला था, टॉर्क इज एन आई ए बी साइन फाई वेर एन इज योर नंबर ऑफ टर्न्स। अभी हमने एक कॉइल के लिए निकाला था, है ना, अभी तक हम एक कॉइल के लिए कैलकुलेशन कर रहे थे। सपोज करो ऐसी एन नंबर ऑफ कॉइल्स दी है तो आप एन से मल्टीप्लाई कर दोगे। इफ देर आर एन नंबर ऑफ कॉइल्स, ऐसी n नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल्स आपको दी हुई है, देन यू कैन मल्टीप्लाई दिस टॉर्क विद द वैल्यू ऑफ n टू गेट द टोटल टॉर्क। चलो अब वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो वेक्टर इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए हम उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं और उसकी डायरेक्शन को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन आप देख लो, n कैप है, n कैप इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप, है ना। सो नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप, प्लेन के नॉर्मल एक यूनिट वेक्टर है, दैट इज योर एन कैप, ठीक है। एन कैप इज द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। सो आपके टॉर्क को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एन टाइम्स आई इंटू ए क्रॉस बी, और यू कैन ऑल्सो राइट द टॉर्क एज। देखो लिखने के अलग अलग तरीके हैं, है ना, टॉर्क को अलग अलग तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहले तो हमने मैग्नीट्यूड वाइज रिप्रेजेंट किया उसको, अब हम उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो वेक्टर फॉर्म में इसको इस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे टॉर्क को, और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है आई इंटू ए। आई इंटू ए वाले फैक्टर को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। जैसे हम डाइपोल मोमेंट पढ़ते थे आपको याद है,
डाइपोल मोमेंट क्या होता था, चार्ज इनटू डिस्टेंस, डाइपोल मोमेंट आपका क्या होता था, चार्ज इनटू डिस्टेंस, है ना, ऐसा हम लोग पढ़ते थे जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था तब। तो वैसे ही आपका मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, करंट इनटू एरिया, मैग्नेटिक मोमेंट इज योर करंट इनटू एरिया, करंट इनटू एरिया, ठीक है। जैसे आपका डाइपोल मोमेंट होता था चार्ज इनटू डिस्टेंस, वैसे ही आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, करंट इनटू एरिया। तो यहां पे करंट इनटू एरिया वाले फैक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, एम। सो मेरा टॉर्क का नया इक्वेशन आ गया, विच इज एन इनटू एम क्रॉस बी। दिस इज ऑल्सो वेरी यूजफुल इक्वेशन, टॉर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, और यू कैन से मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अब टॉर्क का डायरेक्शन निकालने के लिए आप वापस राइट हैंड रूल यूज कर सकते हो। सपोज करो आपको मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर इधर दिया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर दी हुई। सपोज इन दोनों के बीच का एंगल आपको थीटा दिया हुआ है। तो इफ यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, तो यू कैन सी दैट बाय राइट हैंड थंब रूल एम क्रॉस बी। तो एम की तरफ अपनी फिंगर्स को ले जाओ और बी की तरफ उसको कर्ल करो। सो देखोगे आपका टॉर्क जो है वो नीचे की तरफ आएगा। दिस विल बी योर डायरेक्शन ऑफ योर टॉर्क, ठीक है। सो जैसे ही आप राइट हैंड रूल लगाओगे, यू विल गेट दिस डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क, बिकॉज इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो राइट हैंड रूल लगाओगे तो आपको टॉर्क नीचे की डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है। तो टॉर्क को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे आप डाइपोल मोमेंट पढ़ते थे, वैसे ही अब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बार बार हम डाइपोल मोमेंट की बात करते थे, मैग्नेटिक फील्ड में हम बार बार मैग्नेटिक मोमेंट की बात करेंगे। इस बात को आप दिमाग में फिट कर दो। अब जितनी भी बातें होंगी वो सारी की सारी बातें मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म्स में होंगी, क्योंकि अब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट रिलेशंस विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। यहां तक सबको क्लियर हो गया? एवरीवन क्लियर अप टू दिस पॉइंट? यस। वेरी गुड। चलो ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लो। सो फर्स्ट पॉइंट, द कॉइल विल रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द टॉप व्यू। हमने देखा कि कॉइल कौन सी डायरेक्शन में रोटेट कर रही थी। देखो ये जो कॉइल है ये आपकी किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही थी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। इस तरह से इस पर टॉर्क लग रहा था। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने वही बताया कि जब आप इस कॉइल को ऊपर से देखोगे, यू कैन फाइंड आउट दैट दिस कॉइल विल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस कॉइल विल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन यू व्यू फ्रॉम द टॉप साइड, ठीक है। तो ये पॉइंट हमको क्लियर हो गया कि कॉइल का जो रोटेशन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। सेकेंड पॉइंट देखो, द टॉर्क एक्ट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन along the dotted line according to screw rule. तो मैक्सवेल्स का जो स्क्रू रूल है वो बिल्कुल सेम है राइट हैंड थम रूल की तरह। आपका जैसे आप राइट हैंड थम रूल लगाते हो, वैसे ही आप यहाँ पे टॉर्क निकालने के लिए मैक्सवेल स्क्रू रूल लगाओ।
है ना, ये दोनों रूल बिल्कुल सेम है, ठीक है, खाली नाम अलग अलग है, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, राइट हैंड थंब रूल की तरह ही आपको यूज करना। थर्ड वाला पॉइंट, अगर आपका फाई वाला जो एंगल है वो जीरो हो जाएगा, तो यहां पे आप पुट करो, इफ योर फाइव इज जीरो देन योर टॉर्क विल बी जीरो, ठीक है, यू पुट इन दिस इक्वेशन यू विल गेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। अगर आपका फाई एंगल 90 डिग्री होगा तो आपका टॉर्क मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू होती है एन आई ए बी, वेर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज द करंट, ए इज द एरिया ऑफ द कॉइल एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एन आई ए बी, ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, बी आई एन ए बिना, ठीक है, बी आई एन ए बिना, चलो याद रखने का तरीका है। मैक्सिमम टॉर्क आप निकाल सकते हो अगर आपको ये वाला इक्वेशन पता है तो, ठीक है, कई बार क्वेश्चंस इन दो कंडीशंस पे भी बहुत बार पूछे गए हैं, इन दो कंडीशंस पे भी क्वेश्चन भर भर के पूछते हैं, है ना, अगर आपका टॉर्क जीरो हो जाएगा मींस इट इज योर स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर आपका टॉर्क जीरो नहीं होगा तो इट विल बी योर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कई बार इक्विलिब्रियम पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं और क्वेश्चन में वो ऐसा बोलता है, डायरेक्टली आपको बोलेगा नहीं कि आपका फाई एंगल जीरो है, वो ऐसा बोलेगा क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि फाई एंगल जीरो है, वो भी बड़ा चालाक है, एग्जामिनर आपका बहुत चालाक है और टीचर आपका उससे ज्यादा चालाक है, तो टीचर क्या बोलेगा, योर मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, है ना, अब फाई वाला एंगल आपका किसके साथ था, हाँ फाई वाला एंगल आपका नॉर्मल के साथ था, है ना, तो वो ऐसा बोलेगा कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, नॉर्मल ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर पैरेलल, अगर दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका फाई जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद आपको कंडीशन को अप्लाई करना है। चलो यहां तक तो डिस्कशन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट सबको पता है टेस्ला, करंट का यूनिट सबको पता है एम्पियर, एरिया का यूनिट सबको पता है मीटर स्क्वायर, और टॉर्क का यूनिट सबको पता है न्यूटन इनटू मीटर। द अबव फॉर्मूला फॉर द टॉर्क कैन बी यूज्ड फॉर लूप इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप, तो ये फॉर्मूला जो है किसी भी लूप की शेप के लिए यूज हम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो इस फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कहीं भी ऐसा पैरामीटर नहीं आ रहा है जिसमें आपकी लेंथ हो, विड्थ हो या डायामीटर हो, ऐसा कोई भी पैरामीटर इस फॉर्मूले में नहीं आ रहा है। अगर आप ध्यान से इस फॉर्मूले को देखो तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, इसमें करंट है, इसमें एरिया है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप किसी भी शेप लूप की ले सकते हो, आप सर्कुलर शेप ले सकते हो, आप ट्राइंगुलर शेप ले सकते हो, आप रेक्टेंगुलर शेप ले सकते हो, आपको क्वेश्चन में किसी भी शेप की लूप दी हो सकती है तो आप उस लूप का एरिया निकाल सकते हो सिंपली, है ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको रेक्टेंगुलर शेप की लूप दी होगी, एग्जाम में आपको क्वेश्चंस चेंज करके भी मिल सकते हैं, कई बार वो सर्कुलर लूप दे देगा, कई बार वो ट्राइंगुलर लूप दे देगा, सो डिफरेंट डिफरेंट लूप्स के एरिया डिफरेंट डिफरेंट होंगे, इस तरह से आप इक्वेशंस को मॉडिफाई कर लोगे। चलो आज हम जो मेन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। अभी गैल्वेनोमीटर को बहुत ध्यान से पढ़ना है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ऑल ऑफ यू आर रेडी, यस, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज योर मूविंग कॉइल और सस्पेंडेड कॉइल और डी आर्सोनवल टाइप गैल्वेनोमीटर। तो देखो इस तरह का आपका अरेंजमेंट दिया हुआ है, ये आपके पोल्स दिए हुए हैं, दिस इज योर नॉर्थ पोल एंड दिस इज योर साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से जाएगी, देखो नॉर्थ से साउथ जाएगी, ठीक है, अब हमने क्या किया, यहां पे एक रेक्टेंगुलर, दिस इज योर सॉफ्ट आयरन कोर
दिस इज योर सॉफ्ट आयरन कोर. एंड दिस इज योर कॉइल. इसके ऊपर हमने कॉइलिंग की हुई है ना. ये आपकी नंबर ऑफ कॉइल्स है इस रेक्टेंगुलर कॉइल्स पे, रेक्टेंगुलर कोर पे, विच इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन. इस पे बहुत सारी कॉइलिंग की हुई है इस तरह से, और इन कॉइल्स में करंट फ्लो कर रहा है. ठीक है, इन कॉइल्स में करंट फ्लो कर रहा है. करंट इज फ्लोइंग इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और हमें पता है जब भी किसी भी कॉइल में करंट फ्लो करता है और अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जिसको अभी अभी हमने डिटेल में पढ़ा. तो गैल्वेनोमीटर का जो मूवमेंट है वो इसी प्रिंसिपल के बेस पे है. तो अगर आपको टॉर्क वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया, रेक्टेंगुलर कॉइल वाला, तो आप गैल्वेनोमीटर को बहुत आसानी से समझ सकते हो कि गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है. कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ऑन वॉट प्रिंसिपल गैल्वेनोमीटर वर्क्स, देन योर आंसर शुड बी गैल्वेनोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस अ नेट टॉर्क. ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का यही प्रिंसिपल है कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखते हैं तो उस कॉइल पे एक टॉर्क लगता है, जिसकी वजह से वो कॉइल रोटेट होती है. एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज मूविंग कॉइल, और इट इज ऑल्सो नोन एज सस्पेंडेड कॉइल, और इट इज ऑल्सो नोन एज डी आर्सोनवल टाइप गैल्वेनोमीटर. देखो इसके इतने सारे नाम है ना, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड डी आर्सोनवल टाइप गैल्वेनोमीटर. ठीक है, सो यहां पे देखो एक स्प्रिंग भी हमने लगाई है. दिस इज योर हेयर स्प्रिंग, वन स्प्रिंग इज ऑल्सो अटैच्ड एंड द सर्किट इज कंप्लीटेड. तो जैसे ही हमने सर्किट को कंप्लीट किया तो वापस देखो वही वाली चेन आ गई. पीक्यू वाली ब्रांच में देखो फोर्स आपका बाहर की तरफ लग रहा था, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था, और आरएस वाली ब्रांच में आपका फोर्स अंदर की तरफ लग रहा था, है ना. तो जब इस तरह का फोर्स लगेगा तो ये एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगी. वन टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब ये कॉइल को रोटेट करेगी, है ना, रोटेट करना चाहिए. सो कौन कौन से इक्विपमेंट्स मैंने यहाँ पे यूज करे आप यहाँ पे देख सकते हो. यू कैन सी हियर, इट इज वेरी सिंपल वंस यू हैव अंडरस्टूड. तो टी वाला जो पोर्शन है आपका टॉर्शन हेड है, टी एस आपका टर्मिनल स्क्रू है. अब ये कुछ ज्यादा ही साइंटिफिक चीजें यहाँ पे आपको दे रखी है, इतना आपको नीडेड नहीं है एग्जाम के लिए, है ना. इतनी ज्यादा मैकेनिज्म आपसे नहीं पूछेगा वो आपसे खाली इतना ही पूछेगा कि गैल्वेनोमीटर का किस प्रिंसिपल पे वर्किंग होता है. तो आपको बताना आना चाहिए, आपको टॉर्क निकालना आना चाहिए, आपको फोर्स निकालना आना चाहिए, है ना. इस तरह से आपको इतना कंसेप्ट पता होना चाहिए. अंदर के मैकेनिज्म्स आपको नहीं पता होंगे तो चलेगा, बिकॉज इट इज बियॉन्ड योर लेवल. ठीक है, अब टॉर्शन हेड, टर्मिनल स्क्रू, मिरर, पोल्स, रेक्टेंगुलर कॉइल, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर, लेवलिंग स्क्रू. वैसे तो सिंपल सिंपल ही है, आप देख सकते हो. लेवलिंग स्क्रू किस लिए यूज होते हैं, लेवल करने के लिए. दो लेवलिंग स्क्रू हमने लगाए हुए हैं. यहाँ पे एक टॉर्शन हेड है, टॉर्शन हेड इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये स्प्रिंग को सपोर्ट करता है. दिस इज योर टॉर्शन स्प्रिंग. ये जो स्प्रिंग होती है इसको हेयर स्प्रिंग भी बोलते हैं, और हेयर स्प्रिंग का दूसरा नाम होता है टॉर्शन स्प्रिंग. ठीक है, पी क्यू आर एस आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल है, और नॉर्थ और साउथ आपके मैग्नेटिक पोल्स है. इसके अलावा ये वायर है, इस वायर का नाम है फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर. द वायर विच इज यूज्ड इन दिस इज फॉस्फर एंड ब्रॉन्ज वायर. ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका सेटअप बना दिया. तो ये आपका डायग्राम हो गया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का. चलो अब इस पे हम टॉर्क निकालेंगे. सबसे पहले तो टॉर्क का इक्वेशन हमें पता है, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन फाई. हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था टॉर्क का वैल्यू. ठीक है, अब जैसे ही ये एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो ये स्प्रिंग क्या करेगी, ये स्प्रिंग इस पे क्लॉकवाइज टॉर्क लगाएगी. क्योंकि स्प्रिंग की टेंडेंसी क्या होती है, उस टॉर्क को रिस्टोर करना. ठीक है, स्प्रिंग क्या करती है, अगर आपने कोई भी टॉर्क यहाँ पे लगाया,
सपोज करो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है, ठीक है, तो स्प्रिंग क्या करेगी, उसको रीस्टोरिंग टॉर्क लगाएगी, और रीस्टोरिंग टॉर्क विल ऑलवेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड टॉर्क। तो अगर अप्लाइड टॉर्क आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो रीस्टोरिंग टॉर्क जो होगा वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा। दिस इज योर रीस्टोरिंग टॉर्क एंड दिस इज योर अप्लाइड टॉर्क। अप्लाइड टॉर्क इज एक्सर्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड रीस्टोरिंग टॉर्क इज एक्सर्टेड बाय योर स्प्रिंग। दिस स्प्रिंग इज ऑल्सो नोन एज हेयर स्प्रिंग और इट इज ऑल्सो नोन एज टॉर्शन स्प्रिंग। टॉर्शन स्प्रिंग इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये स्प्रिंग टॉर्क लगाती है, और टॉर्क भी उस डायरेक्शन में लगाती है विच इज ऑपोजिट टू द अप्लाइड टॉर्क, ठीक है। तो रीस्टोरिंग टॉर्क को हमने मान लिया कितना लग रहा है, लेट से योर रीस्टोरिंग टॉर्क इज के टाइम्स अल्फा, वेर के इज द रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट, है ना।